भारत माता की जय, भारत माता की जय, चंद्रयान 3 सफल हो। तेईस अगस्त का दिन पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन होगा, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 का चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में गया के खरखुरा के रहने वाले सुधांशु कुमार भी शामिल है और अभी हम उनके घर पर मौजूद हैं। हम उनके माता पिता से बात करेंगे कि चंद्रयान 3 की जो 23 अगस्त को लैंडिंग होनी है उसको लेकर इनका क्या कहना है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये जो लैंडिंग होगी वह सफल होगी और पूरे विश्व का नज़र भारत पर अभी टिका हुआ है। हम लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग हो और इस अभियान में मेरा बेटा सुधांशु कुमार भी शामिल है। इसके चलते हम लोगों को और काफ़ी उत्सुकता बढ़ी हुई है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड करे। इसरो में मेरा बेटा वैज्ञानिक है, इसी तरह से वहाँ बहुत सारा वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इसके लिए हम लोग देश का 140 से करोड़ देशवासियों प्रार्थना कर रहे हैं कि सफल हो। हमारे साथ इसरो के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार के माता पिता थे। इन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंड करेगा और इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। गया से लोकल इटिन के लिए कुंदन कुमार।